हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं व्लॉग्स गाइस। आज आपको दिखाने वाले हम चिक्स जो हमने इनक्यूबेशन में रखे थे। हमने आपको बताया था कि इनक्यूबेशन में रखे हैं, हम आपको दिखाएंगे। अब चिक्स माशाल्लाह से निकला है। चलो मैं आपको वीडियो दिखाएं चिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखें, ये हमारा इनक्यूबेशन फ्रिज समझ लिया हम। इनक्यूबेशन ये हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर भी शो हो रहा है। बाकी आपको दिखाएंगे इनक्यूबेशन, हमने अंडे रखे हुए थे जैसे पहले वीडियो में दिखाया था। ये देखें गाइस, चूज़ा निकल आया है। मेरे टोटल 4 चूज़े निकलाए हैं इनक्यूबेशन एग में से। बाकी एक चूज़ा ये रहा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा चूज़ा है। इसको हम बुला रहे हैं, ज़रा डरा हुआ बेचारा। और देखें इनक्यूबेशन में उनका बिल्कुल साफ सुथरा है। आपको एक कुछ बताऊँ, ये हसील मुर्गे का चूज़ा है। बाकी और चूज़े भी हैं, क्योंकि इनक्यूबेशन में रखा हुआ है ना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुर्गी तो होती हैं जो नीचे बैठ के टेम्परेचर मेंटेन करे, इसलिए हम इनक्यूबेटर में डालते हैं। आपको चूज़े दिखाते हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह बहुत प्यारे चूज़े हैं। आपको दिखाते हैं, बाहर निकाल रहे हैं एक ज़रा एक छोटा चूज़ा, बाकी 2 बड़े हैं। इनको 2 बड़े वालों को हम बाहर निकालते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये 2 बाहर आ गए हैं चूज़े, इनको हम निकालते हैं। क्योंकि उधर इन्हें पानी भी खाना है और इनकी एक खुराक है, इनको खुराक भी देनी है। बाकी ये देखें, ये बंद कर दिया हमने। अब इनको ये ज़रा पानी पिलाएं हम, इनको ये पानी पियेंगे, बाकी इनको खुराक भी देंगे। देखें बुला रहा हूँ मैं, पानी पियेंगे देखना। ये इसको बुला रहे हैं, ये पानी पियेंगे देखना। क्योंकि छोटे चूज़े अभी इनको क्या आइडिया, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, डायरेक्ट एग से निकल के डायरेक्ट यहीं पर हुए इनके बेट। और ये सिर्फ ये 3 दिन, ये मतलब 3 दिन के आए हैं चूज़े। 3 दिन के, 3 दिन में माशाल्लाह देखो कितने बड़े सारे हो गए हैं। बाकी मैं सोचूँ चलो साफ़ सफाई भी करें, इनकी क्लीनिंग भी तो करनी पड़ती है ना। अभी डाल दी इनकी खुराक। ये खुराक वो बहुत अच्छी खुराक है, मतलब इससे ये ना हसील चूज़े के लिए बहुत अच्छी खुराक है। मतलब इसके लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा करती है खुराक, इसके लिए मतलब बेस्ट है। बाकी इसके ऊपर थोड़ी सी और भी मैंने डालनी है, फूड डाल लूँगा इसके ऊपर ताकि इन्हें अच्छी ग्रोथ हो। अब इनको निकाला भी, खेलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। चेक करें, खोल दिए हैं सारे, बेचारे बेताब हुए हैं, खेल रहे हैं सारे। अभी इनको डालेंगे, अभी देखना कैसे उड़ते हुए आते हैं। अभी गाइस चेक करें, फैंसी फैंसी वाले को भी हमने डाल दिया है सारा। किधर है ये रे फैंसी वाले मुर्गी, ये भी फैंसी वाली मुर्गी है। बाकी इनके हमने जगह बनाई, देखें उड़ के इधर वगैरह बैठ जाती है, इनके लिए सेटअप बनाए चारों के लिए। चलो ये भी इंजॉय वगैरह करें। अगर जैसे दिख रहे हैं ना मासूम, इनके चेहरे पर मासूमियत नहीं है बिल्कुल, ये भाई फुल फुल लड़ाकू हैं सारे। गाइस अब ये हैवी बफ को हमने बंद कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत परेशान करते हैं ये हैवी बफ वाले। बाकी ये हमारे कबूतर हैं छोटे, और ये रोस्टर मैंने आपको दिखाया ही था ये तो। बाकी ये खोल दिए हैं, बाकी वाला अंदर चला गया मुर्गा। बाकी ये भी फ्रेंड्स वाले भी बाहर आ गए हैं। तो ये रहा, ये तो छोटे बच्चे आ गए इसके फ्रेंड चले गए। ओ भाई बस ये खेलते रहते हैं भाई, फन करते रहते हैं। ये रहा हमारे पीछे बैठा हुआ है, उधर हाथ भी लगाना है दिया भाई। देखें फन कर रहे हैं ये सारे, पीने दूसरा खेल रहे हैं।